नमस्कार, आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट टू पेपर थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड में सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या एकल इलेक्ट्रोड विभव। एक संपूर्ण सेल दो अर्ध सेलों या दो इलेक्ट्रोडों के युग्मन से बनता है। एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जबकि दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। यदि किसी इलेक्ट्रोड को उसके आयनों के संपर्क में रखा जाता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो विभव ऑक्सीकरण विभव कहलाता है, और यदि इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव धनात्मक है तो उसका अपचयन विभव ऋणात्मक होगा। यह तथ्य विलोमतः हो सकता है। संपूर्ण सेल के विद्युत वाहक बल का मान तो पूर्ण में हम नाप सकते हैं, परंतु इलेक्ट्रोड विभव के परम मान मापन संभव नहीं है। तो इलेक्ट्रोड विभव को एक मानक इलेक्ट्रोड के विभव के संदर्भ में मापा जा सकता है। इस कार्य के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या जिसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। इसे नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। तो इसके लिए जो सेल इलेक्ट्रोड का जो यूज़ होता है वो इस तरह से है। इस आरेख के द्वारा हम इसको दर्शाते हैं। पीटी H2 वन एटमोसफेयर H आयन A इज इक्वल टू 1। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव हम स्वेच्छा से शून्य मान लेते हैं। जिस इलेक्ट्रोड का विभव हमें ज्ञात करना होता है उसे हम इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ युग्मित करके सेल बना लेते हैं, और इस तरह से हम संपूर्ण सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं। अब माना कि जो इलेक्ट्रोड है वो M प्लस आयन है, और जिसका इलेक्ट्रोड विभव हमको ज्ञात करना है, तो इस इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ युग्मित करके इस तरह से ये सेल बनाया जाता है। M की पावर H+ A इज इक्वल टू 1, H2 A 1 एटमोसफेयर एंड प्लेटिनम। तो इस तरह से इस सेल का विद्युत वाहक बल पोटेंशियोमीटर के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। अब चूंकि हमने इस मानक हाइड्रोजन विभव का विभव, इलेक्ट्रोड का जो विभव है वो शून्य लिया है, अतः सेल का विद्युत वाहक बल ही इलेक्ट्रोड का हाइड्रोजन मापक्रम पर इलेक्ट्रोड विभव होगा। और इसकी जो सेल क्रिया है उसको हम इस तरह से लिखते हैं। देखिए, M एनोड पर तो ये होगा M इज इक्वल टू M प्लस N आयन प्लस एनी इलेक्ट्रॉन, एंड कैथोड पर होगा NH प्लस एनी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू N बाय 2 हाइड्रोजन। और जो कंप्लीट सेल रिएक्शन होगी वो है M प्लस NH आयन इज इक्वल टू M की पावर N प्लस N अपॉन 2 H2। इस तरह से हम ये संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिखते हैं, कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखेंगे। और अब हम देखते हैं साइन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव का चिन्ह कहते हैं। तो IUPAC की परिपाटी के अनुसार मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ युग्मित करने पर यदि इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है तो इलेक्ट्रोड विभव को धनात्मक चिन्ह दिया जाता है। इसी प्रकार यदि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के संदर्भ में इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है तो इलेक्ट्रोड विभव को
माइनस साइन दिया जाता है। तो उपरोक्त सेल में धातु इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, अतः इस धातु ऑक्सीकरण है ना, तो इस इलेक्ट्रोड विभव पर ये जो है ना ई एम एन प्लस और एम ऋणात्मक होगा। तो जैसे माना कि ये जिंक है, तो इस जिंक इलेक्ट्रोड को हम इस तरह से लिखेंगे जेड एन वर्टिकल लाइन जेड एन प्लस टू वर्टिकल लाइन एच प्लस ए इज इक्वल टू जी वन एच टू वन एटमोसफेयर प्लेटिनम इस तरह से लिखेंगे। और जो एनोड की रिएक्शन है वो इस तरह से होगी जेड एन इज इक्वल टू जेड एन प्लस टू इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन और कैथोड पर होगी टू एच आई एन प्लस टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच टू। अब क्योंकि इस जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम इसको इस ई जेड एन पर नेगेटिव होगा, तो कंप्लीट सेल रिएक्शन होगी जेड एन प्लस टू एच आई एन इज इक्वल टू जेड एन प्लस टू प्लस एच टू। और अगर कॉपर इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे प्लेटिनम एच टू वन एटमोसफेयर एच आई एन ए इज इक्वल टू वन सी यू प्लस टू सी यू। तो इस तरह से इसकी जो एनोड पर रिएक्शन होगी वो तो ये होगी एच टू इज इक्वल टू टू एच आई एन प्लस टू इलेक्ट्रॉन और कैथोड पर होगी कॉपर इज इक्वल टू सी यू मतलब सी यू प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सी यू। तो जो कंप्लीट सेल रिएक्शन है वो है एच टू प्लस सी यू प्लस टू इज इक्वल टू सी यू प्लस टू एच आई एन। तो क्योंकि कॉपर पर रिडक्शन हो रहा है तो इस पर प्लस साइन होगा। इस तरह से हम कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल। इस सेल को हमें समझने के लिए पहले हमें इस सेल की पूरी रूपरेखा समझनी होगी। यहाँ पर ये देखिए कि किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल मापने में मानक सेल विभव की महत्वपूर्ण भूमिका है, अतः इसका मान स्थिर रहना आवश्यक है। तो एक अच्छे मानक सेल में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। एक तो है कि सेल का स्थिर एवं रिप्रोड्यूसिबल सेल जो है ना इलेक्ट्रोड विभव होना चाहिए, ईएमएफ होना चाहिए, सेल रिवर्सिबल होना चाहिए और सेल का टेम्परेचर कोफिशेंट कम होना चाहिए। ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। तो अब हम इस वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल के बारे में देखेंगे। ये जो वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल है ये सेल एक कांच का एच आकृति का ये पात्र है, ये जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, जिसकी नलियाँ निचले सिरे पर बंद रहती है। इन नलियों की तली में हम देख रहे हैं प्लेटिनम के तार घुसे रहते हैं ताकि अंदर के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके, विद्युत संबंध बनाया जा सके। और इस नली के पैंदे में आप यहाँ देख रहे हैं, इस नली के पैंदे में शुद्ध मरकरी और ये देख रहे हैं ना आप मरकरी और मरकरी के बाद HG2SO4 है ना मरकरी सल्फेट और इससे बनी लेई होती है और एक तरफ होता है कैडमियम सल्फेट क्रिस्टल रखा होता है सॉलिड। और इस नली का जो धन इलेक्ट्रोड ये जो है ना ये मरकरी ये धन इलेक्ट्रोड का काम करता है। और दूसरी नली के पैंदे पर हम देख रहे हैं कैडमियम अमलगम यानी Cd+Hg तथा ठोस कैडमियम सल्फेट भरा होता है। ये नली का ऋण इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। दोनों नलियों का जो शेष भाग है वह संयोजी नली को कैडमियम सल्फेट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भर दिया जाता है और यहाँ पर ताप के साथ विलयन के प्रसार के लिए कुछ स्थान यहाँ पर रिक्त छोड़ दिया जाता है ऊपर
और ऊपरी सिरा जो है वो सील कर देते हैं। अब यह सेल जब कार्य करता है तो इसकी निम्नलिखित अभिक्रिया स्वतः होती है, वो आप देखिए। जिसे यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है एनोड पर जो अभिक्रिया होगी वो है CD सॉलिड इज इक्वल टू CD प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर रिडक्शन होता है Hg2SO4 सॉलिड प्लस टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2Hg प्लस SO4, और जो कंप्लीट सेल रिएक्शन है वो है CdS प्लस Hg2SO4S इज इक्वल टू CD प्लस टू प्लस 2Hg प्लस SO4। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात करें तो इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है उसका मान 1.1084 इलेक्ट्रोड होगा। इस तरह से अब हम इस वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल के कुछ गुणधर्म देखते हैं, ये है ना, और वो गुणधर्म हमने पहले ही देख लिए थे, और वो ये है कि इस सेल के EMF का जो ताप गुणांक है वो नगण्य होता है, इसलिए इसके EMF की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ये सेल उत्क्रमणीय होता है यानी रिवर्सिबल होता है, और विद्युत धारा की अल्प मात्रा प्रवाहित होने के उपरांत भी सेल का पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। किसी सेल के EMF मेजरमेंट में हम वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।